हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम, जो कि आपको अपने घर में, अगल बगल, अपने पड़ोसी के पास भी देखने को ज़रूर मिलती होगी कि हमारे बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाल झड़ झड़ के बिल्कुल पतले झाड़ू की तरह हो गए हैं। बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी शाइनेस नहीं है, और आपके बाल बिल्कुल भी झड़ झड़ के पतले हो गए, लंबे नहीं हो रहे हैं। तो आपके बालों का झड़ने का रीज़न क्या है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे बालों के झड़ने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, आपके अपने बालों के झड़ने का रीज़न आपको मिल जाए और आप उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को कर देना लाइक देखने के बाद, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी पता चले उनके बालों के झड़ने का रीज़न क्या है। क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। हर कोई ये कहता फिरता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न है हमारे बालों के झड़ने का। बालों के झड़ने का मेन रीज़न होता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में झड़ रहे हैं, तो आपके बालों के झड़ने का मेन रीज़न होता है कि अगर आप अपने बालों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी आपके बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बालों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कर्लर यूज़ करते हैं, या फिर अपने बालों पे हेयर डाई भी यूज़ करते हैं, कलर करते हैं बालों को, तो वो भी एक रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हमारे बालों के झड़ने का। बालों के झड़ने का एक और रीज़न होता है खून की कमी। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके शरीर में, आपके बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो भी रीज़न होता है हमारे बालों के झड़ने का। आपने देखा होगा जिसके भी शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, उसके बाल बहुत ज़्यादा, बहुत क्वांटिटी में झड़ते हैं। बालों के झड़ने का एक और रीज़न आपका शैम्पू भी होता है। कई बार हम गलत शैम्पू चूज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू कभी अपने बालों पे मत यूज़ करें, बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू अगर यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तो ये भी आपके बालों के झड़ने का रीज़न होता है। हमेशा माइल्ड शैम्पू से ही अपना हेयर को वॉश करें। बालों के झड़ने का एक और रीज़न होता है ऑयलिंग ना करना, यानी कि आप अपने बालों पे तेल नहीं लगाते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही हमारे बालों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के फास्ट लाइफ में कोई भी ऑयलिंग नहीं करना चाहता है, या फिर करते भी हैं हम तो एक घंटे रहने देते हैं या फिर हाफ एन आवर रहने देते हैं और फिर तुरंत बाल को वॉश कर लेते हैं। आपके बालों में मॉइस्चर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, छोटी छोटी बातों में मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपको कोई डिजीज़ है, यानी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बालों के झड़ने का एक और रीज़न होता है स्ट्रेस लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है आपके बालों के झड़ने का। तो आप टेंशन और स्ट्रेस को बिल्कुल भी अपने लाइफ पे हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके सर पे बाल दिखे, तो आप अपने टेंशन और स्ट्रेस को बिल्कुल भी दूर रखें खुद से, ताकि आपके बाल जो है वो बचे रहे और झड़े ना। बालों के झड़ने का एक और मेन रीज़न होता है नींद का पूरा ना होना। आपको सुन के ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच है ये कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत देर तक रात में आप जगे रहते हैं, बहुत जल्दी सुबह उठ भी जाते हैं, यानी कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे अच्छे से, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये भी एक रीज़न होता है हमारे बालों के झड़ने का। तो अच्छी नींद ले आप, इससे भी आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। अगर आप बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसका एक और रीज़न हो सकता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो स्मोकिंग भी एक रीज़न होता है हमारे बालों के झड़ने का। बालों के झड़ने का एक और रीज़न होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी है बॉडी में, तो आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके बाल झड़ रहे हैं। बालों के झड़ने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते, तो भी आपके बाल झड़ते हैं, क्योंकि इससे आपके शरीर में जो है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, तो ये बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा होने लगता है और बहुत इमिडिएट होता है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है।
तो ये थे बालों के झड़ने के मेन रीज़न। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको आपके बालों के झड़ने का रीज़न भी मिल गया होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं इमीडिएटली, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा और आपको हो सकता है ज़रूर आपके बालों के गिरने से सोल्यूशन मिल जाए। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।